भारत की सबसे बड़ी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के लिए नया साल एक बहुत बुरी खबर लेकर आया है। जहां एक तरफ जहां सानिया मां बनने के बाद टेनिस कोर्ट पर दोबारा वापसी के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर उनके पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का अंतर्राष्ट्रीय करियर भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान के हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने भविष्य की योजनाओं का खाका खींचते हुए इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक अब दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। साल 2019 पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से खराब रहा। टीम जहां इंग्लैंड में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक में जगह नहीं बना सकी, वहीं उसे श्रीलंका के हाथों घर में टी20 सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। अब टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने नए साल में टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम जितना अधिक टेस्ट खेलेंगे उतना ही खुद में सुधार कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए हमें सीमित ओवर प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन करने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि मिसबाह उल हक ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में साफ कर दिया कि मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मिसबाह ने कहा कि हम टीम में कुछ और चेहरों को लाकर और मौजूदा खिलाड़ियों के परिपक्व होने के बाद अब अपनी टीम सही तरीके से बनाएंगे। शोएब मलिक वनडे क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और अब उनका फोकस पूरे तरीके से टी20 फॉर्मेट में है, यानी कि अब शोएब मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।